हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज की इस वीडियो में बाबू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं बाबू पद्यांश, पूरा सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में 20 नंबर पक्का होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम में ये बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज की इस वीडियो में आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और प्लस में आपका यहाँ पे पद्यांश रहेगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। और गद्यांश को ट्रिक से कैसे समझ के सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है कि किस पार्ट से दिया है, आज की इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे बाबू। तो आज की छोटी सी वीडियो है, 20 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ध्यान समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ना, आईएमपी 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में भी आ चुका है, बट यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन बता रहे हैं कि 24 तक ये क्वेश्चन आ चुका है। पीवाई क्वेश्चन जब निकालेंगे तो सामने आपके ये दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले कैसे ट्रिक से इसको पहचानेंगे किस पार्ट से ये दिया गया है। चलिए तब इसके बाद पद्यांश सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसको शुरू से एक बार अंत तक बढ़िया से पढ़ना है और इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पांचों का आंसर कैसे देना है इसी वीडियो में जानकारी मिलेगा। चलिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। लिखा है ना कि राष्ट्र का तीसरा अंग जनकीय संस्कृति है। मनुष्यों ने यहाँ पे लिखा युगो युगो में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है, ठीक है ना। अच्छे से इस मतलब गद्यांश को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है, तब इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक। अब लिखा है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कंब मात्र है, ठीक है ना, कंबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। कह रहा है इसके बाद, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की क्या बोला है बहु, राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसके बाद बोल रहा है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन, भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थान है, क्या है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इसका प्लेस है। और कह रहा है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से यानी कि क्या हो जाए, विरजित हो जाए, यहाँ पे कर दे, तो प्रकाश की जो है संज्ञा संस्कृत है। पूरे इस गद्यांश को पढ़ेंगे, थोड़ा सा दो लाइन और गद्यांश है, यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया हूं। और ये गद्यांश काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, और तब जाकर के आपको इसका आंसर अभी तुरंत हम बताएंगे। चलिए देखिए बाबू, फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ पूछा है और लेखक का नाम बताइए। और पाठ पहले बताएंगे, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे और उस पाठ के लेखक कौन है। चलिए सबसे पहले आते हैं, ट्रिक से समझते हैं। इसमें जिस पाठ से आया होगा यह गद्यांश, उस पाठ का छोटा सा कीवर्ड आप कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है, देख सकते हैं। जिसे लिखा है राष्ट्र, लिखा है ना बाबू राष्ट्र लिखा है यहाँ पे, तो आप समझ रहे हैं ना कि राष्ट्र का जो स्वरूप आपका चैप्टर है कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप, ध्यान समझिए, राष्ट्र का जो स्वरूप वाला चैप्टर बाबू आप पढ़े हैं उसी चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। आप समझ लीजिए चैप्टर का छोटा सा नाम का अंश इसमें कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे, देख रहे ना, यहाँ पर भी लिखा है, मतलब बहुत सारे जगह पर आप देख सकते हैं। तो आप समझ गए कि राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर इसको दिया गया है और इसके राइटर कौन है, वासुदेव सड़ग्रवाल जी। अभी दो नंबर का काम चुटकियों में आपने कर लिया। चलिए क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश यानी कि पाठ और इसके लेखक कौन है, मैंने अभी बताया, इसका सोल्यूशन जस्ट हम बताएंगे। यहाँ पे पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है, इस तरीके से क्वेश्चन है। चार नंबर, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। इसके बाद 5 नंबर, जन का मस्तिष्क क्या है, इसी गद्यांश में से इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैसे इसको सॉल्यूशन करना है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से देखिए बाबू, एक एक क्वेश्चन आराम से तैयार करेंगे, 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहले प्रश्न संख्या ऐसे डाल लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में ये आएगा गद्यांश, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहां से आप किसी भी गद्यांश को जब करिएगा,
सबसे पहले उसका संकेत जरूर डालिएगा कि किस गद्यांश को आप कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो चेक मतलब करते समय देख लेता है कि बच्चा जो किया है कौन सा गद्यांश किया है। भाई यहाँ पे संकेत डालिएगा राष्ट्र का शुरू, यानी तीसरा जो गद्यांश का शुरू में हेडलाइन दिया उसको और बीच में डॉट डॉट करके आखिरी की संज्ञा संस्कृत है, ऐसे डाल लेंगे कि नहीं, ये संकेत हो गया बाबू। ठीक, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि पाठ का नाम बताइए सर, तो राष्ट्र का स्वरूप मैंने बता दिया ना। इसके बाद लेखक कौन इस चैप्टर के, तो डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी। इस तरीके से जैसे ही आप लिखेंगे आपका दो नंबर पक्का हो जाएगा। या अन्य तरीका एक और है, आप चाहे तो संदर्भ इसका हेडिंग लगा के आराम से संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से जिसके राइटर वासुदेव सर अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया ये गद्यांश से आराम से लिख लेंगे, वहां पे आपका दो नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या बाबू। चलिए पहले रेखांकित किसको किया है थोड़ा सा वहां पे लेकर चलते हैं, ध्यान देना पड़ेगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरलाइन जो किया है ना इसी लाइन की व्याख्या आपको करना है। बिना संस्कृत के जन्म, यहाँ पे की कल्पना कंबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृत के बिना विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि असंभव है। इसी लाइन की व्याख्या करने के लिए बोला है कि भाई इस लाइन का मतलब क्या होगा, आप मुझे व्याख्या के माध्यम से बताइए। चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लेके आ चुके हैं, आराम से समझने की बस जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाबू पहले लिखेंगे हेडिंग, क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे लिख लेने के बाद से लिखेंगे कि वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है, समझ रहे हैं ना, मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में संत यानी मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना, और मनुष्य शरीर का संचालन और नियंत्रण यानी कि उसी से होता है, किससे, दिमाग से होता है, मस्तिष्क से। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति के सिर नहीं होगा, सिर काट दिया जाए तो वो व्यक्ति में नहीं गिना जाएगा, वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी कि सिर नहीं रहेगा तो मस्तिष्क कहने लायक ही नहीं रहेगा, उसी प्रकार संस्कृत के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए इसीलिए बाबू संस्कृत के विकास और उसकी उन्नति यानी कि आगे बढ़ना, उन्नति में भी क्या है, किसी राष्ट्र का क्या है बाबू, विकास उन्नति और समृद्धि का एक रूप है। आराम से व्याख्या ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलते हैं आगे की क्वेश्चन में, ये दो दो नंबर के आप काम कर रहे हैं, इसी तरीके से पेपर में आएगा। चलिए अगला बाबू क्वेश्चन इसमें दिया है तीन नंबर की, भूमि और जन के अतिरिक्त, यानी कि भूमि मतलब पृथ्वी जिसपे हम लोग निवास करते हैं उसको भूमि कहेंगे, और जन मतलब लोग, जहां पे लोग निवास करते हैं, इसके अतिरिक्त इसके अलावा राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है भाई, तो आपको मैंने बता दिया कि संस्कृत काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इसका क्वेश्चन अभी तीन नंबर को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे सटीक तरीके से, ध्यान दीजिए। राष्ट्र के समग्र यानी राष्ट्र के समग्र भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत, बताया ना, जन की संस्कृत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरीके से दो लाइन में इसका आंसर सटीक दे देंगे, दो नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है बाबू चार नंबर, चार नंबर वाले क्वेश्चन के सामने आ चुके हैं और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपका गद्यांश पूछेगा। देखिए ध्यान से लिखा है कि राष्ट्र की वृद्धि, यानी राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है भाई, हमारे राष्ट्र में जैसे अपना अपना देश का राष्ट्र होता है वैसे ही हमारे भारत देश का भी राष्ट्र है, तो हमारे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है इसको व्याख्या करने के लिए बोला है। चलिए इसकी व्याख्या हम अभी जस्ट अच्छे से बताते हैं। चार नंबर, संस्कृत के बिना यानी संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की क्या है बाबू, वृद्धि संभव हो पाएगी, ठीक है ना, इसी तरीके से आराम से समझ के एक एक क्वेश्चन को लिखना है। पांच नंबर आपको लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पांच नंबर क्वेश्चन इसी में है बाबू, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करके और ध्यान देना होगा। पांच नंबर लिखा है इसमें कि जन का मस्तिष्क क्या है,
जन मतलब लोग, लोगों का मस्तिष्क क्या है? तो आप जानते हैं कि जन का मस्तिष्क संस्कृत है। क्या है बाबू? संस्कृत है, क्योंकि आपको मैंने गद्यांश में ही ये सारी चीजें बता चुका है। पढ़ते समय देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कि उत्तर लिखेंगे जन का संस्कृत क्या है बाबू? मस्तिष्क, यानी कि संस्कृत ही मस्तिष्क कहलाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे 10 नंबर का, यहाँ से गद्यांश का आपका काम कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे पद्यांश की तरफ, क्योंकि 20 नंबर इस वीडियो से आप पक्का कर लीजिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसी को बता रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। जो पेपर में बार बार पूछा जाता है वही चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। चलिए यहाँ पे 10 नंबर की फिर तैयारी एक नए अंदाज में करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ये पद्यांश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो कि पेपर में हर एक साल किसी न किसी पेपर के कोड में ये डाल ही देता है। आराम समझ लिए और लिखने की तैयारी पक्का कर लीजिए। 10 नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा है ना कि कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख। अब देखिए, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिला सानंद, सुमन को जियो मधुरमय संदेश। आप इस पूरे पद्यांश को जितने भी लाइन दिया है 2, 4, 6, 8 करके पूरे पढ़ लिए आराम से। और इस पद्यांश में 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा बाबू, 5 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो 10 नंबर यहां से भी पाएंगे। तो चलिए ध्यान से इसमें क्वेश्चन क्या क्या बोला है पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और तब से इसका आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को तोड़ के रख लेना है। चलिए लिखा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे, ठीक है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, कि उपर्युक्त पद्यांश यानी कि ऊपर जो पद्यांश दिया है इसके शीर्षक, शीर्षक कह देता है तो इसका मतलब कविता, कविता बोली थी, कविता किस पाठ से या कविता कह लीजिए, और इस कविता की कवि कौन है भाई, इसको कौन लिखे है कवि, उसका नाम बताइए, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, जो अंडरलाइन किया है उसकी व्याख्या करना है, सारी चीजें के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तीसरा है आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, इसमें इस सारे प्रश्न का उत्तर समाहित है, ठीक है। 4 नंबर, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। इसके बाद 5 नंबर, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, यानी कि विवाद संवाद झगड़ा हो रहा है। चलिए एक एक क्वेश्चन का आराम से यहाँ से सटीक आंसर ध्यान समझिएगा। चलिए बाबू यहाँ पे आ चुके हैं, संकेत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें। चलिए संकेत पहले डाल लेंगे, बोर्ड एग्जाम में जब भी आप कॉपी लिखिएगा सबसे पहले संकेत डालिएगा, गद्यांश हो या पद्यांश, आराम से संकेत डालेंगे। कौन हो तुम यहाँ पे डाल सकते हैं, या कौन डॉट डॉट करके लास्ट वाली जो मधुमेह संदेश वाली लाइन है पूरा लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा काफी टैलेंटेड है, मेरे लिए काफी हेल्प कर दिया कि हाँ मैंने यही किया है। आराम से लिख लेंगे संकेत, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा था ना कि शीर्षक का नाम बताइए सर, और कवि का मतलब नाम बताइए जो शीर्षक है इस चैप्टर के, तो कवि जो है सॉरी शीर्षक है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु वाला चैप्टर को इससे लिया गया है। कौन हो तुम वसंत के दूत, ये वाला जो आप कविता देख रहे हैं ना इसके कौन शीर्षक होगा, श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु के कवि कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का हो गया, बस छोटी सी लाइन लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। या इसी चीज को आप इस तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, संदर्भ लिख देंगे यहाँ पे हेडिंग, और लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया, जिसके राइटर यानी जिसके कवि जो होंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा उद्धृत हैं, आराम से लिख देंगे। उस टाइप से भी हो जाएगा या इस तरीके से, लेकिन याद रखिएगा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ना वैसे ही आंसर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें क्या था, 2 नंबर, 2 नंबर पे चलते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहाँ पे रेखांकित किया है भाई, थोड़ा लेकर चलते हैं वहां पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बिहार, बस 2 ही लाइन की तो भाई व्याख्या करनी है, आराम से इसकी व्याख्या कर लीजिए। चलिए व्याख्या की तरफ लेकर चलते हैं,
एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर देंगे ना तो पेपर में एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के आराम से अंडरलाइन करके लिखेंगे कि श्रद्धा मनु, यानी कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के क्या है समान और वेदना एवं वेदना का मतलब दुख दर्द के समान एवं व्यथा से तप्त यानी भरा हुआ मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम। बस इसी दो लाइन की व्याख्या इतना लिख देंगे, आराम से दो नंबर पा जाएंगे। ऐसे ही तो लिखना है, एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे कि नहीं, एक एक क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा थर्ड नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछेगा, आराम समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। लिखा है कि आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, यानी जो आगंतुक व्यक्ति आने वाला जो व्यक्ति है इसमें उससे किसकी ओर संकेत की गई है भाई। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, इसी पद्यांश में साफ साफ लिखा है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तीन नंबर का यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिख दीजिएगा जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ। तीन नंबर इस तरीके से लिखिएगा बाबू कि आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत करते हुए कहा है, बस मनु की ओर कहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं अगला प्रश्न जो पूछा है इसमें चार नंबर की तरफ। चार नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। जो पद्यांश आपने पढ़ा इस पद्यांश में उत्कंठा किसकी मिटाने की बात कही गई है भाई। जब पद्यांश आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, उसी में पूरा क्लियर लिख दिया है कि हाँ पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा, मनु के बीच में जो क्या है दुख दर्द है उसकी उत्कंठा को मिटाने की बात की गई है इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही आराम से लिख लीजिएगा। लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या बोला इसमें। लिखा है ना कि पद्यांश में जो किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, संवाद मतलब झगड़ा किन पात्र के बीच में, साफ साफ इसमें लिखा है, साफ साफ इसमें लिख दिया है। आप जब पढ़ेंगे पूरा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें संवाद की बात कही गई है श्रद्धा और मनु, श्रद्धा मनु, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, सेम इसी में से इसका आंसर आपको छाप देना है। जैसे आपने गद्यांश पढ़ा है ना सेम वैसे ही पांच नंबर का पद्यांश में मनु और श्रद्धा, कह सकते हैं श्रद्धा और मनु के बीच जो संवाद हो रहा है उसी पे चर्चा चल रही है इस पद्यांश में। आराम से लिख लीजिएगा, साफ साफ मैंने बता दिया कि इस तरीके से जब करेंगे तो आपका गद्यांश और पद्यांश से मिलकर के बाबू यहाँ पे 20 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 100% तो नहीं लेकिन मैं बता दूं कि 95% काफी बोर्ड एग्जाम के सातों पेपर के कोड में दिखाई देंगे। आराम से इसको कर लीजिएगा, तैयारी बेहतर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जुड़ जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।